इंट्रोड्यूसिंग शाओमी मी 10 प्रो। दोस्तों 2020 में शाओमी का पहला फ्लैगशिप स्मार्टफोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है इंडिया में, जो कि होगा शाओमी मी 10 प्रो। दोस्तों ये फ़ोन ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है चाइना में और अब ये फ़ोन बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है इंडिया में भी। और दोस्तों ये फ़ोन अब ऑफिशियली कन्फर्म हो चुका है और इस फ़ोन के सारे स्पेसिफिकेशन लीक्ड हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शाओमी मी 10 प्रो के स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में और इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं फ़ोन के डिज़ाइन के बारे में। फ़ोन की बैक साइड में आपको ग्लास का बैक मिलेगा विद ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिश, साथ में आपको मिलेगा क्वाड कैमरा सेटअप। फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको पंच होल डिस्प्ले मिलेगी और आपको मिलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों पहले बात करते हैं फ़ोन की डिस्प्ले के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस कर्व्ड सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज की पंच होल डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन आपको मिलेगा 1080x2400 पिक्सल का और पिक्सल डेंसिटी आपको मिलेगी 414 पिक्सल पर इंच की और आपको स्क्रीन पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा। दोस्तों फ़ोन में आपको सुपर स्मूथ डिस्प्ले मिलने वाली है, तो कोई भी कलर सेचुरेशन में इशू आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के कैमरा के बारे में। दोस्तों फ़ोन की बैक साइड में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर आपको पहला कैमरा मिलेगा 108 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा आपको मिलेगा 20 मेगापिक्सल का टेलीफोटिक कैमरा, तीसरा कैमरा आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और चौथा कैमरा आपको मिलेगा 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा। और दोस्तों फ़ोन की फ्रंट साइड में आपको मिलेगा 20 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा। तो फ़ोन की कैमरा क्वालिटी आपको काफ़ी लाजवाब देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जो कि एक नया और काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। तो इस फ़ोन की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी, कोई भी गेम आप फ़ोन में आराम से चला पाएंगे, कोई भी लैग हीटिंग इशू और हैंगिंग प्रॉब्लम आपको फ़ोन में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगा एंड्रॉयड 10.0 क्यू का ऑपरेटिंग सिस्टम MIUI 11 के साथ। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की बैटरी के बारे में। फ़ोन में आपको मिलेगी 4500 mAh की बैटरी, जिसके साथ आपको 50 वॉट की वायर्ड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा और साथ में आपको दोस्तों 10 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी फ़ोन में आपको मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन के रैम वेरिएंट के बारे में। दोस्तों फ़ोन आने वाला है 3 रैम वेरिएंट में। पहला वेरिएंट होगा 8GB 128GB, दूसरा वेरिएंट होगा 12GB 256GB और तीसरा वेरिएंट होगा 12GB 512GB। साथ में दोस्तों फ़ोन में आपको UFS 3.1 की स्टोरेज का सपोर्ट भी मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की प्राइस और फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। दोस्तों बेस वेरिएंट की प्राइस, यानी कि 8GB 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस आपको लगभग इंडिया में 35,000 से 40,000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों ये फ़ोन लॉन्च हो सकता है इंडिया में मार्च या फिर अप्रैल के मंथ तक। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।